नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रभत चौधरी। इस बुलेटिन में होगी हिमाचल की बात। तो हिमाचल की बात में सबसे पहले जो आज प्रचार की डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही पार्टियां जो हैं धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। नूरपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर सियासी वार किए और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह कोर्ट के चक्कर लगाने वाले मुख्यमंत्री हैं। जेपी नड्डा ने कहा इस बार जनता हिमाचल और हिमाचलियत को बचाने के लिए वोट करें। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हमेशा हिमाचल को बड़ी राहत मिली है, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो। जेपी नड्डा नूरपुर में पार्टी के प्रचार अभियान में पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मंच से वो हिमाचल सरकार पर जमकर बरसे, खासकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर। हिमाचल जो देव भूमि कहलाती है, जो वीर भूमि कहलाती है, जो कर्म भूमि कहलाती है, उसका मुखिया के बारे में हमसे कोई मजाक में कहता है कि ये पेशी नहीं है, ये उसकी पेशी नहीं है, ये हिमाचल के अस्तित्व की पेशी है। तो इस बार का चुनाव किसी प्रेम के कारण ना करें। मैं आपसे वोट व्यक्ति के लिए नहीं मांगने आया, मैं आपसे वोट पार्टी के लिए भी नहीं मांगने आया। इस बार का चुनाव में वोट मैं आपसे हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए मांगने आया हूं। तो बीजेपी का चुनाव प्रचार अभी आपने देखा, जेपी नड्डा डटे हुए थे नूरपुर में और कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में डटी हुई है। 9 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है हिमाचल में और 18 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इससे पहले 9 नवंबर से पहले दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी जल्दी ही मैदान में उतरने वाले हैं। उससे पहले जेपी नड्डा आज नूरपुर में उतरे पार्टी के प्रचार के लिए। बात कांग्रेस की, शिलाई विधानसभा के सतौन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने खुद को परेशान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के जरिए परेशान करने की कोशिश हो रही है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर जात पात और ऊंच नीच की राजनीति करने का आरोप लगाया। मेरा इनकम जो मामला छोटा सा है जो इनकम टैक्स से संबंध रखता है, और ज़्यादा जो है ये मामला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। वही मामला जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास है और सीबीआई के पास है। जैसे कि कोई बड़ा संगीन मामला हो और मुझे वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और घेरेंगे कैसे भाई, जर्मनी को कल काम किया ही नहीं, वो घेरेंगे कैसे, तंग करने की कोशिश करना चाहते हैं। लोगों को बांटना चाहते हैं और बांटने से परहेज नहीं करते तो कैसे वो परहेज को देख रहे थे, उनके दिमाग भय। हिमाचल का चुनावी माहौल गर्माने लगा है और इस बीच बीजेपी की चुनाव प्रचार में बढ़त पर कांग्रेस ने हमला बोला। आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पलटवार किया। देखिए, जहां तक पैसा खर्च करने की बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बाद पूरे देश में आगे है, और यहां भी ये देखने को मिला है कि ये बहुत पैसे का मिसयूज जो है भारतीय जनता पार्टी वाला किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर कैंपेन में, और हमारा सभी कार्यकर्ता नेता पूरे जोर से लोगों के बीच है और पिकअप करेगा हमारा ये कैंपेन, चाहे पोस्टर की बात है, बैनर्स की बात है, दूसरे पैम्पलेट्स है, इन सभी चीजों को आने वाले समय में तेजी। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार चुनाव के लिए जो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसकी जो सीमा है उसके अंतर्गत उसके अंदर रह करके हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब नियमों का अनुपालना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसको कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के पास ये सब करने के लिए ना कार्यकर्ता है, पैसा तो है, लेकिन वो व्यक्तिगत है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो पैसा कहाँ से आया, किसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, किसका प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है कि नेताओं ने अपने लिए पैसा रखा है, पार्टी के प्रचार के लिए नहीं लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत काम करते हुए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई इस वक्त नूरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, यहां पर बीजेपी ने धुआंधार रैली की, जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे और तमाम तरह के सियासी वार यहां पर किए गए। जेपी नड्डा की इस कैंपेनिंग को लेकर कार्यकर्ताओं में क्या कुछ देखने को मिला, क्या मतलब कितना उत्साह देखने को मिला इस रैली में? जी शमित, अगर बात की जाए तो हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज नूरपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। अभी कुछ देर पहले रैली जो है वो संपन्न हुई और काफी ज्यादा जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। जेपी नड्डा ने यहां पर कई ऐसी योजनाएं जो वो गिनाई है, चाहे 3 जो एम्स के अस्पताल यहां पर खोले गए हैं और इसके अलावा जो परियोजनाएं सड़क 4-लेन परियोजनाएं जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नोटिफाई कर दिया लेकिन अचार संहिता के कारण वो अभी शुरू नहीं हो पाया उन पे काम, तो वो उसके बारे में भी यहां गिनाया। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, उस पर सीधे तौर पर तंज भी कसा कि ये सरकार सिर्फ कोर्ट में, दिल्ली में कोर्ट में पेश होने वाली सरकार रही है, विकास का कोई काम यहां पर नहीं किया गया है। इसके अलावा एक नहरी परियोजना भी यहां पर जो है पिछली धूमल सरकार के समय में यहां पर शुरू हुई थी, यही जहां पर रैली की सदवा इसके कुछ ही दूरी पर जो योजना है वो शुरू की गई थी, लेकिन पिछले उनका आरोप है यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उन्होंने भी, राकेश पठानिया ने भी आरोप लगाया और जेपी नड्डा ने भी कहा कि सारे काम जो है वो विकास के काम कांग्रेस सरकार के दौरान ठप हो जाते, तो कहीं ना कहीं अपने भाजपा की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो पूर्व सरकार जो धूमल सरकार थी यहां पर उसकी और अभी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार है उसकी उपलब्धियां यहां पर गिनाकर भाजपा के प्रत्याशियों के हक में यहां पर वोट बैंक वोट को हासिल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं की यहां पर बात की जाए तो जेपी नड्डा ने यहां पर सभी कार्यकर्ताओं में काफी जोश जो है वो जरूर भर दिया और इस यहां की सदवा की रैली के बाद अभी वो फतेहपुर में एक और रैली है उसे संबोधित करने वो जा रहे हैं, तो देखना ये होगा कि जो कार्यकर्ता हैं उन पे कितना जोश आता है। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो जो चुनाव प्रचार है वो भी काफी जोरों पर है, शिखरों पर है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ के जो विधायक हैं वो दिल्ली में है इस समय और उनका बताया जा रहा है कि वो कल यहां आएंगे और उसके बाद कांग्रेस की क्या चुनावी रणनीति इस एरिया में कांगड़ा खासतौर पर अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिले में क्या रहेगी उसके बारे में भी बात की जाएगी। इसके अलावा भाजपा की अगर बात की जाए तो अभी बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी जो कांगड़ा जिला में अपनी रैलियां उनकी होंगी, 2 रैलियां होनी, अभी समय जो है वो जारी नहीं किया गया, तारीख बताई नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं पूरा जोर जो है यहां पर 50+ सीटें हासिल करने के लिए भाजपा की ओर से पूरी ताकत यहां पर झोंक दी गई है। जी सर, राजन आप हमारे साथ बने रहिए। जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। ललित, यहां पर कैंपेनिंग की बात को लेकर ये सवाल उठ रहा है, जैसा कि राजन भी बता रहे हैं नूरपुर से, कि बीजेपी तो धुआंधार कैंपेन में जुटी है लेकिन नूरपुर में जो वहां के कांग्रेस के लोग हैं वो अभी रणनीति बनाने में ही जुटे हुए हैं। और शिमला में भी जो कांग्रेस नेता से बात की गई वो कह रहे हैं कि कैंपेनिंग हमारी है, हम डटे हुए हैं, हम भी धुआंधार प्रचार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर देखी जा रही है। बिल्कुल श्रमित, बात करें क्योंकि चुनाव है, लगातार जो सरदर्द प्रचार की जो तेजी है लगातार तेजी होती जा रही है प्रदेश में। और अगर हम फिलहाल बात करें कहीं ना कहीं जो भाजपा है, भाजपा कांग्रेस से 10 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करें प्रचार की या फिर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है, कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसने तेजी है वो जरूर पकड़ ली है। और फिलहाल अगर हम बात करें क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उसमें भी भाजपा ने बढ़त हासिल की थी, उसके बाद कैंपेनिंग की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी कैंपेनिंग है वो भी
भाजपा की बहुत तेजी से चल रही है, जबकि कांग्रेस है फिलहाल अभी रणनीति बनाने में ही जुटा हुआ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इश्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा है भ्रष्टाचार के इशू को लेकर आम जनता के बीच जारी है। इस वक्त हमारे साथ आम जनता, उनसे बात कर लेते कि किन इश्यूज को लेकर इस बार वो वोट डालेंगे, क्योंकि प्रदेश में जो चुनाव है 10 से 12 दिन का समय रह गया है। बात करें इलेक्शंस की, प्रदेश में 10 से 12 दिन के बाद चुनाव होने हैं, क्या इश्यूज रहने वाले जिनको लेकर आप वोट डालोगे? हमारे इश्यूज जो रहने वाले हैं वो ये भ्रष्टाचार सरकार हमें नहीं चाहिए। अब अगर एजेंसी में देखो तो वहां लोगों को गाड़ी करने के लिए पार्क करने के लिए जगह नहीं है, वहां पे एक पार्किंग की सुविधा होना चाहिए। हर जगह एम्बुलेंस रोड होने चाहिए जो अभी तक नहीं बन पाए, जिससे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई रात को बीमार हो जाए तो उसको उठा के पीठ पे उठा के लोगों को लाना पड़ता है, ऐसी सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमारे काम करे। और युवाओं को देखो तो युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, अगर आपसे बात करें क्या इश्यूज रहने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस है, नोटबंदी होगी, जीएसटी होगी, इन तमाम इश्यूज को लेकर आम जनता की भी जा रही है, जबकि भाजपा है भ्रष्टाचार को इश्यू बना रही है। मैक्सिमम आम लोग अब ज्यादातर विकास पर वोट देगा, क्योंकि जीएसटी आने पर सब लोगों पर भार पड़ा है, सबके गरीब लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। प्याज 50 रुपए किलो से ऊपर चला गया है, और चीजें भी देखो तो 28% जीएसटी लग गया है। इसमें क्या होगा कि जो मेन लाले हैं, मोटे मोटे जो होलसेलर है, उनके पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा। जैसे उसके पास 10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, वो एक चार्टर अकाउंटेंट को बताएगा भाई साहब मेरे को इसे 5 करोड़ बचा दे। वो बोलेगा भैया मुझे ऐसा कर दे 50 लाख दे दे, मैं तेरे 5 करोड़ बचा देता हूँ। तो ये आम लोगों को तो कोई फायदा नहीं हुआ जीएसटी आने से, इसे तो हम लोगों पर जितने भी गरीब जनता है सब पर भार पड़ा है जीएसटी आने से। कुछ और लोग भी हैं। सर, आपसे बात करें आप किन इश्यूज को लेकर वोट डालोगे? हम तो हमेशा विकास के ऊपर ही कार्य किया और विकास के लिए ही चाहेंगे। अगर सरकार जो है विकास के आधार पे कार्य करेगी तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि अभी भी जो सरकार ने काम की है वह काफी। चलिए ठीक है, विकास के नाम पर यहाँ पर वोट किया जाएगा, ये शिमला की जनता कह रही है जो इस वक्त मौजूद है ललित शर्मा के साथ। ललित, आप और लोगों के साथ भी संपर्क कीजिए। फिलहाल हमारे साथ अजय महाजन जुड़ गए हैं चंबा से लाइव। अजय, यहाँ पर जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं, आपके साथ जो जनता मौजूद है वो क्या कुछ कह रही है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने के लिए वो निकलेंगे? जी बिल्कुल शमित, बताना चाहूंगा इस वक्त हम चंबा में मौजूद हैं और यूथ जो है मेरे साथ है यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि यूथ जो है किन मुद्दों को लेकर के ईवीएम मशीन तक जाने वाला है, उनसे बातचीत करते हैं। अब बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के जो है यूथ इस बार वोटिंग करेगा? जी, जो हमारे जो भी वोटिंग प्रोसेस होगी वो यही देख के होगी कि कौन सा कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं वो किस बेस पे काम करेंगे। उनका अगर काम अच्छा होगा तो हम उनको वोट करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उनको हर चीज में देखना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में देखना चाहिए, स्पोर्ट्स सिस्टम में, हर फील्ड में उनको चेक करना चाहिए कि कहाँ कौन सी कमी है। और बिल्कुल, आप बताइए यूथ जो है वो क्या सोच रहा है, सोच जो है हिमाचल की के यूथ की सोच क्या है अभी? देखिए, वोट दे रहे हैं हम लोग तो किसी को सोच के ही दे रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं नेता जो वादे तो कर जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं आगे। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, तो वो लोग इसीलिए कहते हैं कि वोट नहीं देंगे क्योंकि कोई नेता आ रहा है वो कह रहा है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। अगली बार अगर कोई और आ रहा है वो भी वो नहीं करेगा, तो क्या पता अगली बार जो आने वाला है वो शायद सोचेगा कि मैं वो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता क्या सोचती है अभी यूथ जो है वो किस बात को लेकर? लड़कियों की सुरक्षा कितना है मुद्दा रहेगा? तो एज ए यूथ हमारी प्रायोरिटी अपने लीडर से यही रहेगी कि जैसे हम देखते हैं जो हमारी यूथ है, लड़कियों की सुरक्षा जो है वो कितना अहम मुद्दा रहेगा, कई बड़े जो है पीछे हादसे जो है वो खाई मामला, तो लड़कियों को ज्यादा सेफ्टी देनी चाहिए। जैसे हमारे स्कूल्स में छुट्टी होती है तो वहां पे जैसे मेन चौक पे पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, उन्हें पूरी सेफ्टी गार्ड्स के साथ उनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। तो बस यही है जो हमारा लीडर हो, हम उनसे यही वो कोर्ट का ही मामला जो है वो भी जो है पार्टियां अभी भुना रही हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो वहां पर हुआ था, क्या सोचती हैं लड़कियां, क्या सोचती हैं अभी? लड़कियां तो यही सोचती है कि हमारी जो सरकार है वो हमें ऐसी प्रायोरिटी दे कि हमसे खुद को सेफ महसूस करें, ना कि ऐसे जैसे कई भी जगह हो जहां पर अकेली जैसी जगह होती है वहां पर खासकर पुलिस का इंतजाम होना चाहिए ताकि लड़कियां खुद को सेफ महसूस करें। बिल्कुल, सेफ्टी जो है एक बड़ा इशू है, कई बड़े हादसे जो है वो हिमाचल में हो चुके हैं, आवाज जो है लोकसभा तक पहुंची है उन हादसों की, गुड़िया जो रेप केस मामला है वो भी उसमें जो अभी भी कार्रवाई चल रही है, जनता क्या सोचती है, लड़कियां क्या सोचती है इस बारे में?
लड़कियों का क्या होता है कि अगर कोई भी कुछ भी गलत करेगा, ठीक है, कई लड़कियां ऐसी होती है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, वो इस बात से दबी रहेगी कि लोग क्या बोलेंगे या क्या कहेंगे, उस वजह से क्या होता है कि उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाता। तो क्या करना चाहिए कि जो भी जुल्म करेगा या जो भी कुछ करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ये नहीं कि उसको सजा दी उसको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करने से क्या होता है कि जुर्म जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, अगर एक के लिए वैसे करेंगे तो वो क्या करेगा कि हाँ इतनी सजा है फिर छूट गया फिर हम वो करेंगे। और बिल्कुल कानून सख्त होना चाहिए, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिलाएं क्या सोचती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं? जी, महिलाएं यही सोचती है कि उनके लिए सेफ्टी प्रोवाइड की जाए और अच्छे से कानून बनाए ताकि जो जुल्म करता है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, नहीं तो ऐसे ही ये बढ़ते रहेंगे मुद्दे। जी बिल्कुल, एक बड़े मुद्दे जो है, सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यूथ क्या सोचता है, महिलाएं और लड़कियां जो है वो इस बारे में क्या सोचती हैं? दूर दराज के क्षेत्र हैं, पढ़ने जाती हैं, क्या सोचती हैं आप? सर, हमें पढ़ने के लिए लड़कियों का हक है पढ़ना, और हमें सिर्फ दिन में ही नहीं, हमें रात में भी अगर कहीं जाना पड़े तो हमारे पास इतनी सुरक्षा होनी चाहिए कि हम बिना डर के कहीं भी आ जा सके। जी बिल्कुल, हिमाचल में सुरक्षा भी जो है इस बार बड़ा मुद्दा है चुनाव में, क्योंकि कई बड़े हादसे जो है वो पीछे हो चुके हैं। आपका क्या मानना है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है सरकार जो है वो फेलियर नजर आई है किन्हीं मुद्दों पर, और अभी वोटिंग मशीन तक जो है सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा लेकर जाएंगी महिलाएं? जी, हम चाहते हैं कि देखिए, वोट देना सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस तरह से मतलब महिलाओं को सुरक्षा दे कि वो डर के मारे हर जगह आगे जा सकें। चलिए अजय, अजय आप दोबारा मुद्दों को लेकर जो है, अजय हम दोबारा आपके पास आएंगे। अजय, दोबारा जब हम आपके पास आएंगे तो पूरा जो आपके साथ ग्रुप मौजूद है, इनकी तरफ से एक वोट अपील होनी चाहिए हिमाचल की जनता के लिए, वो अपील हम आपके जरिए लेंगे। फिलहाल हम राजन गोसाई का रुख करते हैं। राजन गोसाई इस वक्त हमारे साथ नूरपुर में मौजूद हैं। राजन, स्वच्छ भारत अभियान की लगातार बीजेपी बात करती रही है। मोदी जी की रैली हुई थी हिमाचल में एक जगह, तो वहां पर उस रैली के बाद जो है स्वच्छता का संदेश कहीं नजर नहीं आया। यहाँ पर रैली स्थल पर आप अपने आसपास क्या तस्वीरें देख रहे हैं इस रैली के संपन्न होने के बाद? जी शमित, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान की जो बात की जाती है, जैसा आपने बताया कि प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी उसके बाद स्वच्छता का कोई भी जो है साफ संदेश नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगर यहां पर बात की जाए तो रैली स्थल पर मैं मौजूद हूं। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जैसे पुष्प वर्षा से जेपी नड्डा की यहां पर स्वागत किया गया, वो तो अभी जो है सारे जो कार्यकर्ता है बीजेपी भाजपा के वो स्वच्छता उसमें लगे हुए हैं। जो भी यहां पर पानी के गिलास है, डिस्पोजेबल गिलास है, उनकी सफाई में लगे हुए जुटे हुए हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर जो रास्ता है, पुष्प यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, फूल बिखरे पड़े हैं, उसकी सफाई भी जो है यहाँ तो पर कार्यकर्ता जो सफाई का संदेश है वो कार्यकर्ताओं में नहीं पहुंचा है। आप कह रहे हैं उसको, जी आप कह रहे हैं कि वहां पर डिस्पोजेबल गिलास बिखरे हुए हैं, मतलब जो संदेश प्रधानमंत्री जो है 2 अक्टूबर जब सरकार बनी थी उसके बाद 2 अक्टूबर आया था तब से दे रहे हैं, वो संदेश कार्यकर्ताओं तक ही नहीं पहुंच पा रहा। ये तस्वीरें कुछ कैप्चर करके आप हमें भेजिएगा। हम शिमला चलते हैं, ललित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, यहां पर और लोगों के व्यूज आप जल्दी जल्दी लेने की कोशिश कीजिए, किन मुद्दों के साथ वो बाहर निकलेंगे इस बार वोट के लिए? बिल्कुल श्रमित, कुछ लोग हमारे तो इनसे बात कर लेते हैं। सर, चुनावों की बात करें, क्या इश्यूज रहने वाले हैं, किन इश्यूज को लेकर आप वोट डालने जाओगे? जी, मेरा मानना है कि विकास को लेकर के हम वोट डालेंगे। जो एम्प्लॉयमेंट की भी आपने बात की थी, जैसे कि अभी पिछले 5 वर्षों में जो 60,000 एम्प्लॉयमेंट दी गई है एक बहुत बड़ी बात है, और हम जो है विकास जिन्होंने करवाया है हम उनके साथ जाएंगे, डेफिनेटली विकास का साथ देंगे। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्या वो भी एक इश्यू रहेगा जिसको लेकर आप वोट डालोगे? देखो, मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले दिनों को बहुत सारे यहाँ पे कांड हुए, गुड़िया को ले गुड़िया कांड हुआ है, होशियार सिंह वाला कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी बात तो मद्देनजर आती है, लेकिन जो यहाँ पे गुड़िया कांड हुआ है उसको लेके वो सीबीआई को सौंपा गया है, लेकिन सीबीआई भी उसमें जो है नाकामयाब रही है। हिमाचल सरकार को इसमें कोसा जा रहा था, लेकिन अभी ये लग रहा है कि इसमें सीबीआई में बिल्कुल नाकामयाब है, और लोग जो है अब मन बनाया हुआ है कि किसको निश्चित रूप में लोग जो है विकास के साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग भी है, यूथ भी है, आपसे बात करें, आप क्या इश्यूज लेकर वोट डालने जाओगे?
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मोदी जी से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जहाँ तक यूथ की बात है ऑल ओवर हिमाचल में, तो मोदी जी के वजह से हर जगह गवर्नमेंट बनी है कि मोदी के नाम पे इलेक्शन होगा, यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं उसका रिजल्ट क्या, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो जीरो है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो होने वाला है, मिक्स्ड रिएक्शन जो है बीजेपी वाले ललित, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ शिमला से जुड़ने के लिए, अजय महाजन हमारे साथ आप चंबा से जुड़े आपका शुक्रिया, और नूरपुर से राजन गोसाई हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया। हम अब हिमाचल रिपोर्ट्स की बात करेंगे। हिमाचल रिपोर्ट्स में कुटलैहड़ विधानसभा सीट की बात करते हैं। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने जहां अपने मौजूदा विधायक वरिंदर कंवर पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने विवेक शर्मा को टिकट दिया है। इस रिपोर्ट की क्या है मायने, इस सीट के क्या है सियासी मायने, वो हम आपको बताएंगे हिमाचल रिपोर्ट्स के जरिए, क्या कहती है यहां की जनता। ऊना जिले का कुटलैहड़ विधानसभा हलका सूबे की सियासत में अहम किरदार निभाता है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार वरिंदर कंवर को इस बार जीत का भरोसा है। उनका कहना है कि हलके के हर गांव का विकास हुआ है, पानी और सड़कों समेत हर समस्या का समाधान किया गया है। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार ने सूबा सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवार विवेक शर्मा भी अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, और मौजूदा विधायक पर कोई भी वादा पूरा करने का आरोप लगा रहे हैं। जो वीरभद्र सिंह जी की सरकार प्रदेश में रही, ये संवेदनहीन, जिसको कोई जनता की परवाह नहीं, रजवाड़ा शाही से ग्रसित ये सरकार जो थी, इसने कोई ध्यान जो है वो 5 वर्ष कुटलैहड़ की ओर नहीं दिया। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि 15 साल में वो कम उन्होंने कम जो है वो मात्र जो अपने लोगों का विकास कराया, वो जनता का विकास करवा नहीं पाए। कांग्रेस के बढ़ते कदम देखकर वो आज बुगलाहट आ चुकी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार विवेक शर्मा ने कहा कि वरिंदर कंवर की अवैध संपत्ति को लेकर एक लेटर भी जारी हुआ है, जिस पर कंवर ने कहा कि विरोधी उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सूबा सरकार ने जांच क्यों नहीं करवाई कि उनके ऊपर एक आरोप पत्र निकलता है, जो आरोप पत्र उनके साथियों द्वारा निकाला गया, और लगातार हमने मीडिया के माध्यम से भी, अपनी बैठकों के माध्यम से भी उनसे इस बात के बारे में पूछा, मगर मैं बहुत हैरान हूं कि वरिंदर कंवर जी उस पत्र के बारे में जो है किसी भी तरह का जवाब देने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसा है कि जो विवेक जी हैं वो भी अज्ञानी हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो जो पत्र बम जिसको कह रहे हैं, अब पत्र के ऊपर आप लिख दीजिए, जरा दस्तखत करके दीजिए कि मेरी कहाँ संपत्ति है, और जो मेरी संपत्ति जितनी है मेरी, वो मेरी पारिवारिक संपत्ति जो मुझे मिली है, अगर उसकी औसत बढ़ गई तो वो दुगनी हो गई। अगर वो सार्वजनिक रूप से मेरे को बताएं कहाँ है जो लेकर के आए, तो या तो वो चुनाव से हटे या मैं चुनाव से हटने के लिए तैयार हूँ। वहीं हलके के मुद्दों की बात करें तो जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग हलके में भरपूर विकास होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी विकास नजर नहीं आता है। सर, विकास तो कुटलैहड़ के अंदर इतना हुआ है, 15 वर्षों में शायद अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ होगा, और कंवर जी ने जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन विपक्ष में रहने से इस बार हमारे कुछ काम थे जो रुके हुए हैं। तो जब से भी MLA बने हैं 3 बार, तो इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कराया, चाहे स्कूलों की बिल्डिंगें ले लो या सड़कों के ले लो, तो ज़्यादा विकास इन्होंने करवाया है। नहीं, विकास के हिसाब से तो बहुत कुछ उन्होंने किया है, और कोशिश भी काफ़ी करते हैं। जैसे पानी वानी की बड़ी दिक्कत थी यहाँ पर, पानी की अभी काफ़ी सहूलियत हो गई है अब लोगों को। कोई विकास नहीं किया 15 साल तक कुछ भी। पांच साल में जब जीत जाते हैं, उसके बाद जब वोटिंग आती है तब यहाँ आके अपना मुखड़ा दिखाते हैं। 15 साल से वो हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं, वो कभी कभी आते हैं, जैसे कि किसी की डेथ हो गई तब आए, जब कोई शादी विवाह में, वैसे किसी लोगों के साथ उनकी कोई आपस में बातचीत नहीं है। विकास के बारे में बात करें तो कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। पिछले 15 साल से जो हमारा गाँव है वो बाकी वर्गों से बहुत पिछड़ चुका है। अब सीट के सियासी इतिहास पर एक नजर डालें तो साल 1985 में मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के रामनाथ शर्मा ने जीत हासिल की, जिसके बाद 1990 में रंजीत सिंह ने जनता दल की तरफ से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, तो वहीं 1993 से अब तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बना हुआ है।
1993 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर रामदास मल्लांगड़ ने जीत हासिल की। उसके बाद 2003 में बीजेपी के मल्लांगड़ का टिकट काटकर वीरेंद्र कंवर को चुनावी अखाड़े में उतारा। उन्होंने 2003, 2007 और 2012 के चुनावों में जीत हासिल करके विधानसभा की कुर्सी पर कब्जा जमा कर रखा। 2012 में वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस के रामदास को 1692 वोटों से हराया और इस बार भी बीजेपी ने अपने मौजूदा उम्मीदवार वीरेंद्र कंवर पर ही भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनाथ शर्मा के बेटे विवेक शर्मा को टिकट दिया है, जिनकी किस्मत का फैसला हल्के के 77,796 मतदाताओं को करना है, जिनमें 39,380 पुरुष और 38,416 महिला मतदाता है। वहीं हल्के में जातिगत समीकरण भी अहम भूमिका निभाता है। हल्के में सबसे ज्यादा ब्राह्मण तो दूसरे नंबर पर राजपूत वोटर्स हैं और तीसरे नंबर पर दलित समुदाय की वोट हैं। लेकिन ये वोट बैंक बटा हुआ है। यही वजह है कि हल्के के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस इस सीट से ब्राह्मण या राजपूत प्रत्याशियों पर ही अपना दाव लगाते हैं और इतिहास भी यही बताता है कि कुटलेहड़ में ब्राह्मण और राजपूत बिरादरी से ही विधायक बने हैं। बहरहाल देखना यह है कि हल्के की जनता इस बार 9 नवंबर को किसके नाम पर मुहर लगाती है। आज हमने जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र का सफर तय किया, जिसमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। अब देखना होगा विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे उसमें जनता जो है वह जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ राकेश मैली, कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र ऊना।